जुलाई के अंदर सर्दियों का मजा लेना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। आ जाए, मैं आपका इंतजार। जा रहा हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान टूर पे, अभी सुबह के 4 बजे, और पहले मैं जाऊँगा कराची से लाहौर ट्रेन से, जो कि दोपहर के 4 बजे जाना है। अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ, इस वक्त 4:15 पूरे भाई। ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ, अब इनको बैग में रखना है। हाँ तो भाई, स्टेशन तक जाने के लिए वो सामने है प्रोटोकॉल, इसमें हम स्टेशन पर जाएंगे। पहले तो मैं कराची से लाहौर गया ट्रेन के ज़रिए, लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और अगर आपको टाइम बचाना है, आप VIP बंदे हैं, तो आप फ्लाइट का इस्तेमाल करें, एरोप्लेन का इस्तेमाल करें। इसमें 18 घंटे लगेंगे, एरोप्लेन में 2 घंटे लगेंगे, बस पैसे बढ़ जाएंगे। ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 110 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप छलांग मार दें और पैदल जाएं। लाहौर पहुंचने के बाद हमने अपना डिनर किया गजाफी स्टेडियम के बैक साइड पे, बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स बनी हुई थी, वहाँ हमने चिकन मलाई बोटी और अफगानी बोटी खाई, वो भी नान के साथ। इस वक्त लाहौर में हूँ और अभी निकल रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए बाय रोड, निकल रहे हैं मेरे साथ और लोग भी हैं। फिर हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे के साथ। फिर अगले दिन हम पहुँचे बालाकोट, जहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करा। ओ भाजी, हाँ भाई, ये है बालाकोट और यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ता। किसी को ज़्यादा सर्दी चाहिए तो वो यहाँ आ जाए, ये है बाबूसार टॉप, और यहाँ तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा सर्दी है, यानी माइनस में यहाँ टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, यहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आते तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा, और इंटरनेट के बगैर आप लोगों का गुजारा नहीं होगा, तो ये सर्दी फिर अच्छी नहीं लगेगी, तो मत आए फिर आप यहाँ। फिर आती है असल जगह, जिसको दुनिया का 8वां जुआ भी बोला जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट कराक्रम हाईवे। और एक वार्निंग भी है, इस हाईवे पे चलाने से पहले अपने गाड़ी के ब्रेक जरूर चेक कर लिएगा अच्छी तरीके से। इस रोड पे आपको बहुत सारे मेल्टिंग ग्लेशियर्स और लैंडस्लाइडिंग के खाली साइन बोर्ड नजर आएंगे। फिर हमने उंजा में स्टे किया, उस वक्त न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का फाइनल मैच चल रहा था, वो पता नहीं इंग्लैंड किस तरीके से जीत गया। फिर अगले दिन फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन द पाक चाइना बॉर्डर, और वहाँ सर्दी 1 डिग्री सेंटीग्रेड था और ऑक्सीजन भी कम थी, और लोगों ने रिकमेंड करा था अपने साथ खुबानी यहाँ पे ज़रूर लेके जाए, उससे सांस लेने में आसानी होती है, लेकिन यह सर्दी इतनी थी कि 2 मिनट भी खड़ा नहीं होया जा रहा था। और इस बॉर्डर को गौर से देखे, सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहीं से आता है, मेरे पास वीज़ा और पासपोर्ट नहीं था वरना बॉर्डर क्रॉस कर लेगा। और गर्मी को कम करने के लिए मैंने ये हरकतें शुरू कर दी। हाँ, लेकिन वहाँ आप लोग भागने की गलती मत करिएगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन वैसी कम थी, और जब मैं भागा तो मेरी और हालत ख़राब होने लगी और सांस फूलने लगी, और फिर वहाँ 1 मिनट भी रुका नहीं गया, वहाँ से फिर हम फौरन निकले। अभी भी बहुत कुछ बताने के लिए और दिखाने के लिए है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा, मेरा भी ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफिज़।